इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी इस बार चित्रकूट से हर हाल में जीतना चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लगने के पहले ही चित्रकूट सीट के प्रत्याशी की घोषणा करके सुरेंद्र सिंह गहरवार को इस बात का पर्याप्त अवसर दिया है कि वे अपने मतदाताओं से भली भांति अपनी बात कह सकें और चुनाव प्रचार को मजबूती के साथ गति दे सकें। हालांकि चित्रकूट विधानसभा को लेकर काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह अनुमान था कि यहां से वर्तमान सांसद गणेश सिंह को भी जीत की गारंटी पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके के तमाम कयास धरे के धरे रह गए। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सुरेंद्र सिंह का भारतीय जनता पार्टी की चित्रकूट सीट से दावा पुख्ता बनता भी था, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट विधानसभा से कभी चुनाव नहीं जीती थी। सुरेंद्र सिंह गहरवार ने ही चित्रकूट सीट को एक बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट विधानसभा में तमाम प्रयोग किए। जब कांग्रेस के विधायक प्रेम सिंह का निधन हुआ तब चित्रकूट विधानसभा में उपचुनाव हुए। उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह गहरवार की टिकट काटकर एक नए नवेले ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसे पूरे क्षेत्र के लोग जानते भी नहीं थे। उनका नाम था शंकर दयाल त्रिपाठी। प्रत्याशी घोषणा के साथ ही आम जनता तो यह मान चुकी थी कि शंकर दयाल त्रिपाठी कभी चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि उन्हें पूरे चित्रकूट क्षेत्र की जनता जानती भी नहीं थी। लेकिन सतना जिले के कुछ नेता सत्ता के दंभ में शंकर दयाल त्रिपाठी को जिताने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव नहीं जिता पाए। चित्रकूट विधानसभा से सुरेंद्र सिंह एक बार विधायक रह चुके हैं। चित्रकूट विधानसभा की हर गली से हर कोने से सुरेंद्र सिंह वाकिफ है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को ही टिकट देना उचित समझा। हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी ने सुरेंद्र सिंह गहरवार को 10,158 मतों से पराजित किया था। 2018 के चुनाव में नीलांशु चतुर्वेदी को 58,465 तथा सुरेंद्र सिंह गहरवार को 48,267 वोट मिले थे। इसके अलावा आज की तारीख में राजनीति से संन्यास ले चुके रावेंद्र पटवारी, जिनका चित्रकूट विधानसभा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पैसों के दम पर चित्रकूट विधानसभा की टिकट बहुजन समाज पार्टी से खरीद लाते थे, उन्हें भी चित्रकूट विधानसभा में 24,010 वोट मिले थे। इस बार रविंद्र पटवारी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। इस लिहाज से चित्रकूट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी किसे चुनाव लड़ाती है, बहुजन समाज पार्टी की टिकट कौन व्यक्ति खरीदता है, अभी से कह पाना मुश्किल है। लेकिन पिछले चुनाव में 19 लोग चुनाव लड़े थे। 3 प्रत्याशियों की बात छोड़ दें तो कोई भी व्यक्ति 1500 का आंकड़ा भी नहीं छुपाया था। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह गहरवार पर विश्वास जताकर जिले के अन्य नेताओं को भी यह संकेत दे दिया है कि जो राजनीति में 5 साल सक्रिय रहा, आम जनता के दुख दर्द में शामिल रहा, लगातार जनता से मिलता रहा, शायद टिकट मिलने की संभावना उसी को है। हालांकि चित्रकूट विधानसभा से शंकर दयाल त्रिपाठी और सुभाष शर्मा डोली का भी नाम उनके समर्थक लेते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैदानी स्तर पर जो सर्वे कराया उसमें सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र सिंह गहरवार ही उभर कर सामने आए। इस लिहाज से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है और इतना पर्याप्त समय दिया है कि यदि सुरेंद्र सिंह गहरवार चाक चौबंद रणनीति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं नीलांशु चतुर्वेदी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला बनता है। इस हिसाब से चुनावी मुकाबला काफ़ी रोचक हो जाएगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको विशाल खबर की खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।